हेलो, मैं माइक लॉसन हूँ और यह मेरी रियल हाइकिंग एक्सपीरियंस की डरावनी कहानी है। मैं एक फैक्ट बताते हुए शुरुआत करना चाहता हूँ। हर साल सैकड़ों लोग उत्तरी अमेरिकी जंगल में बिना किसी निशान के लापता हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। आप सोच रहे होंगे कि इस रैंडम फेस और मेरी कहानी के बीच क्या रिलेशन है। यह जानने के लिए आपको आखिर तक सब जानना होगा। हाइकिंग के लिए मेरा प्यार तब डेवलप हुआ जब मैं अपने कॉलेज में था, जब मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मोंटाना के छोटे ट्रेल्स पर लंबी हाइकिंग करना शुरू किया था। वक्त के साथ मेरा यह शौक बढ़ता रहा। फिर यह शौक और भी ज्यादा बढ़ गया जब मैं अपनी पत्नी जेन से मिला। उसे भी हाइकिंग पसंद थी। हम दोनों को वीकेंड पर हाइक करना पसंद था और हम इस पैशन को अपने बच्चों तक भी पहुँचाना चाहते थे। एक गर्मियों के वीकेंड में मैंने, मेरी पत्नी, मेरी बड़ी बेटी एमा और मेरे छोटे बेटे केबे ने एक फेमस ट्रेल के लिए 2 दिन की लंबी ट्रेकिंग के लिए अपना सामान पैक किया। यह हमारे टाउन से सिर्फ 3 घंटे की ड्राइव पर था, इसलिए हमने अपनी कार में अपना सामान, फूड और हाइकिंग गियर लोड किया और इस ट्रेल के लिए स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ चल पड़े। स्टार्टिंग पॉइंट की सड़क कुछ घने जंगलों और पहाड़ से होकर गुजरती थी। मैं पहले भी इस ट्रेल पर चढ़ चुका था, इसलिए मुझे इस एरिया के बारे में काफी कुछ पता था। हमने शनिवार सुबह करीब 7 बजे गाड़ी चलाना शुरू किया। हमने लगभग 11 बजे बेस पर पहुंचने और दोपहर तक हाइक शुरू करने और शाम 4 बजे तक टॉप पर पहुंचने की प्लानिंग बनाई। रात को हम वहीं रहने वाले थे और फिर रविवार की सुबह हम उसी रास्ते से चलकर वापस घर आने वाले थे। हमारा परिवार इस तरह की यात्राओं से काफी परिचित था और मेरे बच्चे अपने मामा और डैडा के साथ पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम बेस से 1 घंटे की दूरी पर एक खड़ी पहाड़ी की सड़क पर गाड़ी चला रहे थे, जब केबे, जो इस समय 4 साल का था, वह भूखा होने के कारण रोने लगा। जेन और मैंने कार को आगे एक सही जगह पर पार्क करने और बच्चे को कुछ खिलाने का फैसला किया। 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद हमने मुख्य सड़क से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक सुनसान जगह मिली जो जंगल के बहुत करीब थे। यह एक ब्रेक लेने के लिए एक अच्छी जगह की तरह लग रहा था और लगभग 2 घंटे तक नॉनस्टॉप ड्राइविंग के बाद शायद हमें थोड़ी ब्रेक की जरूरत थी। एमा और गेबे अभी भी पिछली सीट पर थे जब मैंने और मेरी पत्नी ने गेबे को खिलाने के लिए स्नैक्स और फूड निकालने के लिए अपनी कार की ट्रंक खोली। आप जानते हैं कि बच्चे कैसे कचरा फैला देते हैं। जैसे ही हमें जो चाहिए था वो मिला, हमने ट्रंक बंद कर दिया और जेन कार में बैठ गई। हमारी चुनी हुई सड़क के एक तरफ से एक खड़ी घाटी भी दिखाई दे रही थी और मैं ये देखने गया कि जेन ने गेबे को खिला दिया है या नहीं। एक बार जब वह गेबे को खाना खिला चुकी थी तो जेन भी एमा के साथ मेरे साथ आ गई। गेबे अभी भी कार में बैठा था। मैंने सोचा कि उसे नींद आ रही होगी। हम तीनों ने थोड़ी देर बात करना शुरू किया और आज की अपनी प्लानिंग्स पर चर्चा की। एमा ने कहा, पापा, क्या आप मुझे इस बार टेंट लगाना सिखाएंगे? आपने हमारी पिछली हाइक पर मुझसे वादा किया था। जरूर राजकुमारी, मैंने जवाब दिया। जेन शानदार दृश्य की कुछ तस्वीरें क्लिक कर रही थी जब उसने अचानक अपना कैमरा नीचे किया और तेजी से मेरी ओर देखने लगी। क्या तुमने इसे सुना? क्या सुना जेन? गेबे, वो किसी से बात कर रहा है, जेन ने मुझे बताया। बात कर रहा है? यहां हमारे अलावा और कोई नहीं है, मैंने कहा। जब हम पहुंचे तो मेरे फादर होने की टेंडेंसी ने मुझे उस एरिया को चेक करने के लिए इंस्पायर किया। वर्षों से बाहर रहने के कारण मुझे इसमें सहज होने से पहले अपने आसपास के वातावरण को हमेशा टकटकी से देखना सिखाया गया था। वहां कुछ भी अजीब या डाउटफुल नहीं था और मेरे आसपास के एरिया में कोई अन्य ह्यूमन की प्रेजेंस नहीं थी। फिर गेबे किससे बात कर रहा था? क्या आसपास कोई ट्रैवलर था जो चैट करते समय जंगल से बाहर आया था? जब ये सारे सवाल मेरे सिर के पिछले हिस्से में घूम रहे थे, मेरे पैर मेरे बेटे की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने गेबे को खिड़की से देखा और उससे पूछा कि वह किससे बात कर रहा है। गेबे एक सेंसिटिव बच्चा है और अगर वह व्यक्ति को पसंद नहीं करता तो वह कभी भी किसी से बात नहीं करता है। यह एक अच्छी महिला है डैडी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, लेकिन मुझे पास में कोई महिला दिखाई नहीं दी। वो अच्छी महिला कहाँ है बेटा, और तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? मैंने पूरी शांति से पूछा। गेबे ने उस दूरी की ओर इशारा किया जहां से जंगल दिख रहा था और मैंने अब तक का सबसे भयानक सेंटेंस सुना। डैडी, ये एक जंगल के पास खड़ी महिला है, उसके बाल नीले हैं और उसे हमारी मदद की जरूरत है। जेन मेरे साथ गेबे के साथ शामिल हुई थी और एमा भी हमारे साथ थी। हम तीनों ने जंगल की ओर देखा, लेकिन हमने एक भी महिला को नहीं देखा। नीले बालों वाली महिला को अकेले छोड़ दो, गेबे के बयान से एमा और जेन स्पष्ट रूप से हिल गए थे। लेकिन मैं चिंतित था
कि मुझे यह लगा कि शायद जंगल से किसी को हमारी मदद की जरूरत है और उसने केबे से बात की है, तो मैंने एमा और जेन को कार में वापस आने के लिए कहा। बेटा, क्या तुम बता सकते हो कि वह महिला कहाँ है? उसने मुझे मजाकिया अंदाज से देखा और कहा, डैडी, वह वहीं खड़ी है जो हमें देख रही है और मेरी तरफ हाथ हिला रही है। क्या आप उसे नहीं देख सकते डैडी? जेन और मैंने एक नजर का एक्सचेंज किया, क्योंकि हम दोनों ने कहीं भी किसी को नहीं देखा। हम दोनों जानते थे कि केबी एक सेंसिटिव बच्चा था और उसने कभी किसी से कोई मजाक या झूठ नहीं बोला। निश्चित रूप से किसी को मदद की जरूरत थी, तो हम जानते थे कि यह गंभीर था। मैं जॉगिंग एरिया पर गया जहां केबी ने इशारा किया और चारों ओर देखा। मैं कुछ मीटर जंगल में गया, लेकिन नीले बालों वाली महिला का कोई निशान नहीं मिला। मैंने अगले 10 से 15 मिनट इलाके की तलाशी में बिताए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में मैंने हार मान ली। मुझे वहां कोई महिला नहीं मिली बेटा। वह स्पष्ट रूप से परेशान था और वह रोने लगा। डैडी, जब आप उसे ढूंढ रहे थे तो वह आपके बगल में ही थी, आप उसे कैसे नहीं देख पाए? उसकी इस बात ने मुझे और मेरी पत्नी को हैरान कर दिया। उसने केबी को शांत करना शुरू किया और एम्मा भी डर गई थी। जैसे ही मैं कार में बैठा, मेरे अंदर एक अजीब सी भावना आ गई और मैंने अपने परिवार से कहा कि हम घर वापस जा रहे हैं, ना कि हाइकिंग के लिए। जेन मेरी बात से सहमत लग रही थी और जल्द ही हम घर की ओर जाने वाले थे। दोनों बच्चे पहले के एपिसोड से थक चुके थे और गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने और जेन ने उस शाम इस घटना के बारे में बात नहीं की। जब हम घर पहुंचे तो हमने एक बार फिर से केबी से बात की और उसने महिला के बारे में और विस्तार से बताया। उस रात जेन ने हमारे अनुभव को सोशल मीडिया पर दूसरों के साथ साझा करने का फैसला किया। बिस्तर पर जाने से पहले उसने महिला के विवरण के साथ इस बारे में एक पोस्ट किया। अगली सुबह मुझे पड़ोसी शहर के एक लोकल शरीफ का फोन आया। उसने दावा किया कि उसने पोस्ट पढ़ ली है और केबी से बात करना चाहता है। हमें नहीं पता था कि वह क्या बात करना चाहता है, इसलिए हमने उसे उस दिन बाद में अपने बेटे से मिलने दिया। दो अन्य ऑफिसर्स और हाथ में लापता लोगों की एक फाइल के साथ शरीफ हमारे घर पहुंचे। एक बार जब केबी उसके सामने बैठा था तो उसने नीले बालों वाली कई महिलाओं की तस्वीरें उसके सामने रखी और केबी से कहा कि वह जिस महिला से मिला था उसको इनमें से चुने। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना मेरे बेटे ने अपनी उंगली उस तस्वीर पर रख दी जो उसके पहले दिए गए डिस्क्रिप्शन से अच्छी तरह से मेल खाती थी। मैं और जेन इतने भ्रमित थे कि हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। इसके बाद उन्होंने केबी से शुरू करते हुए हम में से प्रत्येक से अलग अलग प्रश्न किए और जब मुझसे पूछताछ की जा रही थी तो मैंने शरीफ से पूछा कि मामला क्या है। शरीफ के बोले गए शब्द अभी भी मेरे कानों में कभी कभी बजते हैं। उसने कहा, करीब एक साल पहले मियां नाम की एक महिला ने हमारे दो शहरों के आसपास के पहाड़ों में एक ट्रेकिंग ट्रिप शुरू की। वह एक या दो सप्ताह के लिए वहां कैंपिंग करने जा रही थी, लेकिन जब तीसरा हफ्ता शुरू हुआ और मियां का कोई पता नहीं चला तो उसके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। एक विशाल खोज दल शुरू किया गया था, लेकिन कोई भी मियां को नहीं ढूंढ सका। एक हफ्ते बाद हमने तलाशी बंद कर ली और उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। हालांकि एक महीने बाद उसी रास्ते पर लंबी पैदल यात्रा कर रहे एक जोड़े ने उसे गहरे जंगल में देखने की सूचना दी। फिर से तलाशी शुरू की गई, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाए। 6 महीने बीत गए और हमने सारी उम्मीद खो दी थी, जब दो ट्रक ड्राइवरों ने दावा किया था कि मियां को पहाड़ की सड़क पर नंगे पैर चलते हुए देखा गया था। जब वे उसके पास पहुंचे तो वह एक शब्द भी नहीं बोली और जंगल में भाग गई। फिर हमने उसकी तलाश के लिए एक ग्रुप भेजा और फिर भी हमारे आदमी खाली हाथ वापस आ गए। और अब आपका छोटा लड़का दावा करता है कि उसने उसे देखा है, लेकिन आप तीन कहते हैं कि आपने किसी को भी नहीं देखा। यह लापता मामला हमारे शहर में एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। शरीफ ने बात करना बंद कर दिया और हार मानते हुए भारी सांस ली। उसने मुझे उस स्थान पर ले जाने के लिए कहा जहां केबी ने मियां को देखने का दावा किया था। एक विशाल खोज दल ने हमारा पीछा किया और मैंने इंतजार किया क्योंकि लोगों ने अपना काम किया। लगभग 10 मिनट की तलाशी के बाद सर्चर्स में से एक ने सचेत किया कि एक डेड बॉडी थी। यह ठीक वही जगह थी जहां मैं मियां को ढूंढ रहा था, लेकिन कल वहां कुछ भी नहीं था, यहां तक कि लाश भी नहीं। मैं चकित और डरा हुआ था। खोजकर्ताओं ने थोड़ी देर खोजबीन की और एक महिला की डेड बॉडी मिली जिसके सर पर अभी भी नीले बाल का एक गुच्छा लगा हुआ था।
बॉडी सड़ चुकी थी और बदबू आ रही थी। यह निश्चित रूप से कुछ हफ्तों से ज्यादा पुराना था, लेकिन मैंने इसे कल कैसे नहीं देखा। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और आखिरकार मियां के लापता होने की गुत्थी सुलझ गई। लेकिन क्या वाकई इसका कोई सलूशन हो चुका था? अगर महिला एक दिन से अधिक समय के लिए मर गई थी, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे बेटे ने कल किसे देखा था। कोई विचार? आपको क्या लगता है? मैं कभी नेचर लवर हुआ करती थी। बाहर जाना और जंगल में घूमना मेरे लिए एक मजेदार एक्सपीरियंस हुआ करता था, क्योंकि इससे मुझे हमेशा फ्री और कॉन्फिडेंट महसूस होता था। लेकिन लगभग एक साल पहले हुई एक भयानक घटना के बाद सब कुछ बदल गया, जिससे मेरी आज़ाद होकर खुले तौर से बाहर घूमने वाली आदत फिर बेहद डर और खौफ में बदल गई। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यह लगभग एक साल पहले हुआ था। मैंने किसी अनजान शहर की एक खूबसूरत सीनरी के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था। उस आर्टिकल की हेडलाइन थी, नेचर लवर्स के लिए एक छिपी हुई खूबसूरत जगह। और यह आर्टिकल एक छोटे से शहर के पहाड़ों में एक सुंदर जंगल के बारे में था। आर्टिकल में यह भी बताया गया था कि यह अकेले ट्रिप पर जाने और हाइकिंग करने के लिए एकदम सही जगह है। मैं खुद एक नेचर लवर हूँ, इसलिए ये सब देखकर मुझे इंटरेस्ट आ रहा था। इसलिए मैं इसे पढ़ती रही और जितना ज़्यादा मैंने इसे पढ़ा, उतना ही ज़्यादा इसके लिए अट्रैक्ट होती रही। आर्टिकल के एंड में राइटर ने यह भी कहा था कि वहाँ के टाउन में रहने वाले लोग पहाड़ों के उन जंगलों की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए बहुत से लोग जंगल में नहीं जाते और ना ही वहाँ रुकते हैं। इसलिए जंगल बिल्कुल साफ है, फ्रेश और अनटच्ड है। मुझे याद है उस आर्टिकल में एक सेंटेंस था, नेचर की रेयर और अनटच्ड ब्यूटी का एक्सपीरियंस करने वाले पहले शख्स बने। इसलिए जब मैंने वो सब कुछ पढ़ लिया, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक फ्लाइट बुक कर ली। मैंने अपनी लाइफ के सबसे शानदार हाइकिंग के एक्सपीरियंस को शुरू करने के लिए अगले ही हफ्ते फ्लाइट ले ली। और मैं उस वक्त इस बारे में नहीं जानती थी, पर यह कुछ ऐसा था जिसे मैं पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलने वाली थी। जब मैं शहर में गई, तो मैंने उस टाउन के होटल में अपनी बुकिंग करवा ली। उस रात जब मैं वहां गई, तो मैंने वहां के लोकल लोगों से मिलने जुलने का सोचा और मैं बहुत से लोगों से मिली। उस शहर के लोग सच में काफी फ्रेंडली और अच्छे थे। मुझे याद है कि मैंने होटल में भी कुछ लोगों से जंगल के बारे में बात की थी, लेकिन वे हमेशा उस जंगल के बारे में बात करने से बचते रहे, क्योंकि जब भी मैंने इस टॉपिक को उठाया तो जल्द ही टॉपिक बदल दिया जाता। तभी मैंने खुद से पूछा कि जंगल उन लोगों के लिए जाना पहचाना था, लेकिन फिर भी वे इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे, तो मैंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन मैंने अपनी हाइकिंग शुरू करने के लिए अपना सब सामान तैयार कर लिया और सूरज ढलने के बाद मैंने अपनी ट्रिप शुरू की। मैं पहले पहाड़ों की तहलटी पर चलकर जंगल तक गई। जैसे जैसे मैं जंगल के पास पहुंची, मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे लोगों की संख्या बहुत कम होने लगी थी और आखिरकार मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी, क्योंकि अब आसपास कोई भी नहीं था। लेकिन जब एक बार मैंने जंगल को देखा, तो मेरी सारी फिक्र दूर हो गई। मेरे सामने सच में एक सुंदर सीन था और मैंने तुरंत काफी पिक्चर्स लेने शुरू कर दिए। जब मैं ये सब कर चुकी थी, तो मैंने अपना कैमरा दूर रख दिया ताकि मैं सुंदर सीन्स को एंजॉय कर सकूं। मैंने लगभग 2 घंटे तक खोजबीन की और फिर मैंने किसी के कदमों की आवाज सुनी। मैं जल्द से मुड़ी और मैंने देखा कि एक स्मार्ट दिखने वाला लड़का मेरे कुछ भी बोलने से पहले मेरे पास आ रहा था। उसने कहा, मुझे लग रहा है कि मुझे एक पार्टनर मिल गया है, मैं जैक हूँ। तब उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मैंने जवाब देते हुए उससे हाथ मिलाया, हाय मैं ट्रेसी हूँ। जैक ने फिर पूछा कि क्या मैं एक फोटोग्राफर थी, क्योंकि उसने मेरे बैकपैक से मेरा कैमरा चिपका हुआ देखा था। और ये भी पूछा कि क्या सिर्फ मैं एक अकेली ट्रैवलर थी, तो मैंने जवाब दिया, नहीं मैं सिर्फ हाइकिंग कर रही हूँ। उसने फिर कहा, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी हाइकिंग ही कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं उसकी बात का जवाब दे पाती, जैक ने फिर कहा, मुझे पता है कि हाइकिंग के मेन पॉइंट्स में से एक ये है नेचर में अकेले बाहर रहना, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये अच्छा आइडिया होगा अगर हम एक दूसरे के साथ हाइकिंग करें। मुझे पता था कि वो मेरे लिए एक अनजान इंसान था, लेकिन वह सच में अच्छा लग रहा था और मैं उसकी आंखों में पॉजिटिविटी देख सकती थी। साथ ही कुछ समय के लिए अकेले रहने के बाद मुझे एक कंपनी की जरूरत थी, इसलिए मैं उसकी बात मान गई और हमने हाइकिंग को एक साथ करना जारी रखा। लगभग 30 मिनट बीत चुके थे, हम एक खुले रास्ते पर चल रहे थे और तभी मैंने उसे देखा। वो अजीब जानवर जो दिखने में एक बकरी जैसा लग रहा था। हम पहले यह नहीं बता सके कि यह क्या था, क्योंकि उस पर अजीब रंग के फर थे। इसके फर एक सुनहरा भूरा रंग था और अपने हाइकिंग के इतने सालों में मैंने कभी भी सुनहरे फर के साथ कोई भी बकरी नहीं देखी थी।
इस अजीब क्रिएचर के बारे में और भी अजीब ये लग रहा था कि वह जानवर नहीं था, वह चर भी नहीं रहा था, वह सीधे बस हमें देख रहा था। मुझे याद है कि जैक कह रहा था, ये थोड़ा अजीब है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन जितना ज्यादा हम चलते जा रहे थे उतने ही ज्यादा बकरियां जैसे क्रिएचर्स हमने देखे, और अजीब तरह से उनमें से हर एक क्रिएचर ने ठीक वैसा ही किया जैसा सबसे पहले वाले ने किया था। वे जानवर ना तो हिलते थे और ना ही कुछ करते थे, वे बस हमें देखते रहते थे। मुझे लगता है कि जैक बकरियों के अजीब व्यवहार से परेशान हो गया था, क्योंकि वह नहीं देख रहा था कि वह कहां जा रहा है, इसलिए वह एक चट्टान पर फिसल गया और उसका पैर मुड़ गया। यह बहुत बुरा था और मैंने देखा कि वह अब अपने पैर पर दबाव नहीं डाल सकता था। बहुत देर हो चुकी थी इसलिए मैं हेल्प के लिए शहर वापस नहीं जा सकती थी। फिर हमने आखिर में रात में वहां डेरा डालने और अगली सुबह हेल्प लेने का फैसला किया। मैं हमेशा नेचर के पीछे रही हूँ, मेरे लिए यह बहुत आसान था, इसलिए मैंने आग लगाई और मैंने जैक के लिए दो स्टिक्स और कपड़े का एक टुकड़ा लेकर एक टेम्परेरी पट्टी बनाई। थोड़ी देर बाद आग कम होने लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आग को जलाए रखने के लिए और ज्यादा लकड़ियां लानी होगी। मैंने जैक से कहा कि मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। मुझे कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने में लगभग 20 मिनट का समय लगा। जब मैं ये सब कर रही थी तो चांद से जंगल में मंद रोशनी हो रही थी, तो मैंने कैंपिंग ग्राउंड में वापस जाने के लिए अपने रास्ते पर जाना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैं वहां पहुंचने वाली थी, मैं कुछ दूरी पर जमकर खड़ी हो गई। जैसे कि मैं कुछ दूर से देख सकती थी कि जैक, जिसे मैंने अकेला छोड़ दिया था, अब पूरी तरह से उन चीजों से घिरा हुआ था जो इंसान जैसे लग रहे थे। मैं जैक के आसपास के उन ह्यूमनॉइड्स का पता नहीं लगा सकी क्योंकि आग तेज नहीं थी, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि उनकी स्किन का रंग किसी इंसान की तरह नहीं था, और चांद की रोशनी से वे मुझे गोल्डन दिखाई दे रहे थे। उनके शरीर पर बाल थे और उन सभी ने अपने सिर पर पत्थर जैसे सींगों को बहुत नुकीला किया हुआ था। उनमें से हर एक ने टेम्परेरी सींगों को पहना था, जैसे कि वे बौद्ध हैट्स हों। मैंने देखा कि जैक उठने की कोशिश कर रहा था और मैं देख सकती थी कि वह अपने पैर के मोच के कारण दर्द में था। वह अपने आसपास किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहा था जिससे वह अपना बचाव कर सके, और जब उसने मुझे देखा तो उसने धीरे से यह बोलते हुए दूर से ही आंखें बंद कर ली, तुम जहां हो वहीं रहना। मैं फिर चुपचाप पास के एक पेड़ के पीछे झुककर खड़ी हो गई और मैं डरावने सीन को देखती रही। मुझे याद है कि जैक उन अजीब लोगों से पूछ रहा था, तुम लोग कौन हो? और उन सब ने मौन के सिवाय कुछ नहीं कहा। जैक ने फिर कहा, क्या तुम लोग शहर से हो? अगर यह एक घटिया प्रैंक है तो आपको सच में यह बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल फनी नहीं है। और पिछली बार की तरह ही उन सभी ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही उन्होंने उसे घूर कर देखा तभी जैक ने अपना आपा खो दिया और वह चिल्लाया, क्या तुम में से कोई पागल मुझे जवाब दे सकता है? और तभी उन सभी ने अपना मुंह खोल दिया और मैंने उनके गले में से एक बकरी जैसी आवाज सुनी। वे सभी एक ही सुर में बोलते गए और जो कुछ भी हो रहा था मैं उसको समझने की कोशिश कर रही थी। यह सीन पूरी तरह से पागल करने वाला लग रहा था, और जैसे ही जैक ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला तभी टेरर शुरू हो गया, जैसे कि पहले एक तीखे सींग पहने हुए अजीब आदमी ने उसे टक्कर मार दी। मैंने देखा कि टेम्परी पत्थर से सींग उसकी पसलियों में लग रहे थे, फिर मैंने उसकी पसलियां टूटने की आवाज भी सुनी, और इससे पहले कि जैक अपने पैरों पर खड़ा हो पाता वे सभी उसे बार बार मारकर पटकने लगे। वे सब एक साथ ऐसा कर रहे थे, मतलब वो सभी बारी बारी ऐसा करने लगे। मैंने देखा कि टेम्परेरी सींग से उसका मांस फटने लगा और हड्डियों के टूटने की आवाज और जैक की चीखें जंगल में फैलने लगी, क्योंकि वो भयानक सीन सबसे वायलेंट था और ये एक मॉशपिट जैसा था जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। उन्हें रुकने में ज्यादा समय नहीं लगा और जैक की टूटी और बिखरी लाश जमीन पर गिर गई। सीन दहला देने वाला था और बिना सोचे समझे मैं चीख पड़ी। वे सब मेरी तरफ मुड़े और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे पैर चलने लगे। मैं तेजी से दौड़ती गई, मैं अपने दिल की धड़कन को अपने कान से सुन सकती थी। डर ने मुझे दबा दिया था लेकिन मैंने दौड़ना जारी रखा। मैं आखिरकार शहर तक पहुंच गई और मैंने हेल्प के लिए चीखते हुए उस होटल में भाग गई। मेरी सांस फूल रही थी लेकिन मुझे याद है कि मैं हकला कर बोली, कोई हेल्प करो, हम पर हमला किया गया, बकरी जैसे आदमियों ने हम पर हमला किया। जैसे ही मैंने बकरी जैसे आदमी वर्ड बोला मैंने उनके चेहरों पर डर देख सकती थी, और तभी एक डर भरी चुप्पी कमरे में भर गई। मैं हैरान हो गई, मैं चिल्लाई, क्या आप में से कोई मेरी हेल्प नहीं करने वाले? किसी ने कुछ नहीं किया और वे सभी मुझे चुपचाप देखते रहे। तभी मुझे एक भयानक एहसास हुआ,
क्योंकि आखिर में मुझे यह क्लियर हो गया कि शहर के लोग असल में जंगल की रिस्पेक्ट नहीं करते, वे सभी जंगल से डरते हैं। मैं फिर अपने कमरे में गई और पुलिस को बुलाया, क्योंकि यह एक छोटा सा शहर था, उनके पास पूरी यूनिट भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा। अगली सुबह केवल 4 पुलिस वाले ही पहुंचे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं उन्हें हमले वाली जगह पर ले जाऊं। हमने आसपास खोजना शुरू किया और हम आखिरकार एक बड़े घास के मैदान के बीच में जैक के शरीर के पास पहुंचे। जब मैंने उसकी लाश पर नजर डाली तो मैं घबरा गई, क्योंकि उसका शरीर बुरी हालत में था। नहीं, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका शरीर सुनहरे रंग के चरने वाले बकरियों से घिरा हुआ था। भले ही यह 1 साल पहले हुआ हो, फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे यह कल की ही बात हो। बहुत से लोग मेरी स्टोरी पर यकीन नहीं करते, लेकिन मुझे पता है कि मैंने उस रात क्या देखा था और मैं हमेशा उस पर कायम रहूंगी। ज्यादातर बार जब मैं हाइकिंग पर जा रही होती हूं तो जंगलों या पहाड़ों से गुजरते समय मुझे चिंता होती है। इसने मुझे हमेशा अंदर रहने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि मैं गहराई से जानती हूं कि भले ही मुझे यह पसंद नहीं है, पर मैं जितनी ज्यादा सेफ हो सकती हूं उतनी ज्यादा सेफ रहूं।